लेट्स कंटिन्यू विद दी प्लेन्स। ठीक है, तो टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक इज फर्स्टली लाइन एंड प्लेन के डिफरेंट केसेस। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं एक लाइन के एंड एक प्लेन के। ठीक है, देखो एक प्लेन है हमारे पास, या तो लाइन उस प्लेन को ऐसे इंटरसेक्ट करके, ठीक है, ऐसी चली जाएगी, ठीक है, एंड एट एन एंगल थीटा उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में क्या क्या चीज़ निकाली जा सकती है, ये पॉइंट पी निकाला जा सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा। ये दोनों चीज़ें हमने देखी हैं ऑलरेडी, ठीक है, एक दो लेक्चर पहले, कि ये दोनों चीज़ें कैसे निकालनी, पॉइंट पी कैसे निकालना है एंड थीटा किस तरीके से निकालना है, राइट, ये दोनों चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, तो दिस इज अ फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज कि लाइन जो है, राइट, इज पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, तो क्या कंडीशन आएगी एक लाइन के, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो लाइन के प्लेन के पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना। लेकिन थर्ड केस है, दोनों को साथ में करेंगे। थर्ड केस क्या है कि लाइन जो है ये पैरेलल तो है लेकिन अब प्लेन के अंदर ही आ गई, ठीक है, प्लेन के अंदर आ गई, मतलब लाइन इज कंटेन्ड इन द प्लेन। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लाइन पूरी प्लेन के अंदर आ रही है। तो लाइन इज लाइन लाई इन द प्लेन। ठीक है, लाइन जो है वो पूरी प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो इन दिस केस ऑल्सो लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड प्लेन इज आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, राइट। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हमें क्लियर है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट के अंदर ध्यान से देखो क्या चीज होगी। ये दोनों पार्ट के अंदर देखो, ठीक है, मैं दोनों पार्ट साथ में बनाता हूँ। ठीक है, देखो अगर पैरेलल है तो, या फिर अगर लाइन जो है वो प्लेन के अंदर ही आ रही है तो, दोनों केसेस में क्या चीज होगी, ठीक है, कि लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दिस इज लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर। अगर लाइन की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, राइट, एंड प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। यहां पर देखो, यहां पर भी नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि लाइन पैरेलल है प्लेन के, तो प्लेन का लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर, राइट, एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर, इनके बीच में अगेन एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। तो दोनों के लिए हमारा क्या केस जाएगा, दैट इज एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज जीरो। तो कोई ना कोई तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होना चाहिए जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, राइट। तो चाहे वो लाइन प्लेन के अंदर आए चाहे लाइन प्लेन के पैरेलल है, दोनों के लिए क्या होगा, लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट केस। ठीक है, अच्छा, इस केस में इस केस को रिकग्नाइज करने का तरीका क्या है, फर्स्ट को, कि इनके केस में 90 डिग्री नहीं आएगा, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है, सॉरी, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो नहीं है तो एट एन एंगल टकरा रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा एंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी आएगा। लेकिन अगर जीरो चला गया तो वो सेकंड केस भी हो सकता है, पैरेलल का केस या फिर कंटेन्ड वाला केस भी हो सकता है, लाइन लाइज इन द प्लेन या लाइन इज कंटेन्ड बाय द प्लेन और कंटेन्ड इन द प्लेन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दोनों में से रिकग्नाइज ऐसे करना है, कौन सा केस है, लाइन प्लेन के अंदर आ रही है या जस्ट पैरेलल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस केस में क्या है कि एवरी पॉइंट ऑफ लाइन विल सेटिस्फाई, ठीक है, विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इस केस में नो पॉइंट
ऑफलाइन विल सेटिस्फाई प्लेन। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है ये प्लेन के अंदर तो आ नहीं रहा, तो कोई भी पॉइंट जो है लाइन का वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस केस में हर एक पॉइंट जो लाइन के ऊपर आ रहा है वो प्लेन में भी आ रहा है, तो हर एक पॉइंट जो है लाइन का वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो बताओ। देखो, ये कंडीशन तो दोनों की होगी, कोई हमें एक ऐसी कंडीशन चाहिए जो डिफरेंशिएट करे इन दोनों के अंदर, राइट? तो डिफरेंशिएट करने की क्या कंडीशन आ रही है कि इस केस में क्या है, लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है वो प्लेन में नहीं सेटिस्फाई करेगा। इस केस में लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट प्लेन में सेटिस्फाई करेगा। अब ध्यान से देखो, प्लेन के ऊपर, लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट क्या है? ए वेक्टर, राइट? दिस इज अ फिक्स पॉइंट जो लाइन के ऊपर आ रहा है। तो इस केस में अगर ये वाला पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में, ए वेक्टर अगर प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, अब देखो अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो इस केस में तो सारे के सारे करेंगे, अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा इन दैट केस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने का तरीका क्या है, इसको आर वेक्टर की जगह डाल दो। तो आर वेक्टर की जगह डाला तो क्या आ गया, दैट इज ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए पॉइंट है, ए वेक्टर वाला पॉइंट है, ये प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, राइट? तो अगर ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर गया, तो अगर एक भी पॉइंट कर गया तो सारे करेंगे, तो इसका मतलब है लाइन जो है वो प्लेन के अंदर कंटेन होगी। एंड अगर एक भी नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। एक भी ना करने का मतलब हमने ए वेक्टर को पुट कराया प्लेन की इक्वेशन में और वो डी के बराबर नहीं आ रहा, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो कोई भी नहीं करेगा। हेंस इस केस में क्या रहेगा, जस्ट पैरेलल। इस केस में लाइन इज कंटेन्ड बाय द प्लेन। ठीक, इस पूरी थ्योरी में पहले अगर कोई डाउट है जो केसेस हमने डिस्कस किए पहले ये बताओ, फिर इसके रिलेटेड में क्वेश्चंस बताता हूं। ध्यान से देखो, कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ प्लीज। सर लाइन इन प्लेन एक बार दोबारा बता दो। क्या क्या, लाइन कंटेन्ड इन द प्लेन, कंटेन्ड इन द प्लेन। चलो मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल से बताऊं सारा, वो बेस्ट है। यस सर, राइट? एग्जांपल सर। हां जी सर, जब लाइन कंटेन इन द प्लेन है तो डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम प्लेन आएगा कि वो जीरो आएगा? ऑब्वियसली जीरो होगा ना, इन दैट केस सर उससे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का? हाँ जी सर, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मतलब वो जीरो होगा सर, जब फिर वो लाइन इंटरसेप्ट करेगी तब भी जीरो होगा भाई। इन दैट देख भाई, डिस्टेंस जब इंटरसेक्ट करेगा तो इन दैट केस डिस्टेंस बोलना गलत हो जाएगा ना पॉइंट। मैंने कल वही चीज बात की थी। देख एक चीज बता, ये लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो इन दैट केस डिस्टेंस वर्ड यूज किया जा सकता है क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहेगा। बात समझ रहे? लेकिन अगर लाइन प्लेन के अंदर आ रही है तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो भाई कौन सा डिस्टेंस? पहली बात तो यहाँ पे डिस्टेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना, क्योंकि इस पॉइंट का लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं। This makes the line, ना? These infinite points. अब ये point की अगर मैं बात करूं, इसका distance अलग है, इसका distance अलग है, इसका distance अलग है, इसका distance अलग है, तो जो distance zero बोल रहा है, वो सिर्फ एक particular point का zero बोलने की कोशिश कर रहा है। What about बाकी points? इस point का ये भी तो line के ऊपर आ रहा है, इस point का distance तो अलग है, इसका तो zero नहीं है, तो फिर तू इसी का zero क्यों बोल रहा है और बाकी सबका zero, बाकी सबका क्यों नहीं बोल रहा? तो इस केस में डिस्टेंस वर्ड बोलना ही गलत हो जाएगा। बात समझ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? Yes. हाँ, ये चीज मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। बात समझे? Yes. हाँ, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या चीज हो रही है। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा एग्जांपल। क्वेश्चन इज लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स थ्री आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि दिस लाइन इज, लाइन दिस इज कंटेन्ड इन द प्लेन। ठीक है, ये कौन से प्लेन में, दैट इज आर वेक्टर डॉट थ्री आई कैप प्लस नाइन जे कैप माइनस टू के कैप दैट इज इक्वल टू 14। ये प्लेन है, तो ये जो लाइन है, राइट, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जो है इस प्लेन के अंदर लाई कर रही है। बात करता हूं,
हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो अगर लाइन प्लेन के अंदर कंटेन हो रही है तो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ रहा है 3i cap + 9j cap - 2k cap एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है 3i cap - j cap, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या 3i cap + 9j cap - 2k cap डॉट प्रोडक्ट विद 3i cap - j cap + 0k cap, राइट, k cap है नहीं तो जीरो हो गया, तो देखो क्या जा रहा है 3 × 3 9, 9 × -1 - 9, 2 × 0 = 0, तो ऑब्वियसली इट इज जीरो, राइट, 9 - 9 = 0, तो यस जो लाइन है राइट यहां से ये पता चला कि प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के अंदर एंड लाइन के अंदर एंगल 90 डिग्री आ रहा है, मतलब लाइन इज पैरेलल और कंटेन्ड इन द प्लेन, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है, ये 90 डिग्री है मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, मतलब लाइन प्लेन के पैरेलल भी हो सकती है, लाइन प्लेन के अंदर भी आ सकते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट को हम प्लेन में पुट कराएंगे, अगर हो गया सेटिस्फाई तो ये वाला केस आ जाएगा, फिर सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर कोई भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर आने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, वो ले लिया फिक्स पॉइंट, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, अब ये फिक्स पॉइंट को मैंने प्लेन के अंदर पुट कराया तो ये आर वेक्टर की जगह डाल दिया, तो क्या आ जाएगा, ये आर वेक्टर एक्ट करेगा, ठीक, किसी को कंफ्यूजन है कि क्यों आर वेक्टर की जगह डाला है तो वो भी पूछ लो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई इसकी, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट किया, राइट, प्लेन की इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ रही लेफ्ट हैंड साइड 3 + 9 + 2, तो दैट इज इक्वल टू 14, यस दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी 14 ही है, राइट, तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस पॉइंट आल्सो सेटिस्फाइज दिस, तो देखो अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर गया ना तो इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी और पॉइंट ले लो वो भी सेटिस्फाई करेगा, लेट से अब रैंडम पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, लैम्डा को 100 पुट कर दिया, अज्यूम करो बहुत रैंडम पॉइंट ले लिया, एक और पॉइंट कंफर्म करके दिखा रहा हूं कि लैम्डा को 100 लेके भी ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, लैम्डा को 100 लिया तो क्या चला जाएगा 300i cap + i cap, तो पॉइंट आ गया 301i cap, -100 + 1, तो -99j cap एंड -k cap, अब देखो ये आ गया पॉइंट लैम्डा को 100 लैम्डा को 100 लेके, लेट्स सी क्या ये पॉइंट अगेन लाइन प्लेन की क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेगा, तो इसको डाल दिया अगेन इसकी जगह आर वेक्टर की जगह लेफ्ट हैंड साइड के आ गई इनटू 3i cap + 9j cap - 2k cap, अब ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, डॉट प्रोडक्ट क्या इसका डॉट प्रोडक्ट 14 के बराबर जाएगा, अगर तो जाएगा तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया जाना तो चाहिए, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, तो 301 × 3, तो दैट इज 309 -99 × 9, तो 99 × 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 901 एंड दिस इंटू दिस, सर माइनस के कैप क्यों लिखा है आपने, एक सर 891 है, हाँ जी सर 99 × 9 891 क्या चीज नहीं समझा भाई, सर ये 100 वाली क्या किया आपने, कहाँ पे सर जो आपने ये 100 वाला किया ना लैम्डा, रुको मैं बताता हूँ, देखो मैंने क्या करने की कोशिश की, मैंने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है, मैंने देखा कि क्या ये प्लेन की क्वेश्चन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्लेन की क्वेश्चन में पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 14 और प्लेन का राइट हैंड साइड भी क्या 14, बात समझा, यस सर, यस ये प्लेन की क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो गया, बात समझा, यस सर, तो तुम्हारा यहीं पे काम खत्म हो गया कि अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो सारे के सारे करेंगे, यस देयरफॉर हेंस जो लाइन है लाइन लाइज इन दी प्लेन, बात समझे, यस सर, पक्का, दो कंडीशन हमने सेटिस्फाई की, एक कि लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दूसरा लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट जो है ये प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, बात समझे, यस सर, अब मैं जस्ट एक एक्स्ट्रा केस करके दिखा रहा हूं कि अब अगर एक भी पॉइंट लाइन के ऊपर आने वाला प्लेन में सेटिस्फाई कर गया तो कोई भी रैंडम पॉइंट इस लाइन के ऊपर आने वाला उनको वो भी प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि लाइन कंप्लीटली प्लेन के ऊपर लाई कर रही है, यस सर, तो वही चीज मैं अब करके दिखाने वाला था, अब इस लाइन के ऊपर आने वाला एक रैंडम पॉइंट लिया, अब लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट कैसे लेते हैं, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, है ना, यस सर,
लैम्डा की मैंने रैंडम एक वैल्यू ली 100, अब लैम्डा को 100 पुट करेंगे तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा लाइन के ऊपर आने वाला, ये आ जाएगा 300 + 1, तो दैट इज 301 आई कैप, हां समझा? यस सर, माइनस 100 सर, ठीक है, माइनस 100 प्लस माइनस 99, माइनस 99 जे कैप एंड माइनस के कैप आ गया, माइनस के कैप, दिस इज द पॉइंट। अब ये देखते हैं कि क्या ये भी सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन की इक्वेशन में, तो इस पॉइंट को इधर पुट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, लेफ्ट हैंड साइड बनी 301 आई कैप माइनस 99 जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद अ प्लेन, तो इसके साथ 3i cap + 9j cap, 3i cap - 9j cap - 2k cap, ठीक है। अब देखते क्या ये आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है 903 माइनस माइनस माइनस, ये दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, ये प्लस है बिल्कुल, ठीक है, ये प्लस ये है, तो ये कितना आ रहा है 891, और ये कितना आ गया प्लस 2, तो देखो क्या जा रहा है 905 - 891, तो दैट इज 14, राइट। और राइट हैंड साइड क्या आ रही है इसकी, यस इट इज 14, तो यस लाइन के ऊपर मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया वो भी सेटिस्फाई कर गया, बात समझे? तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लोगे वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है लाइन प्लेन के अंदर सेटिस्फाई लाइन लाई कर रही है, बात समझ में आ रही है? ये पूरा क्वेश्चन देखो, दिस इज अ एक्स्ट्रा पार्ट, ये तुम्हें स्कूल में करके दिखाने की जरूरत नहीं, ये जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ, स्कूल में सिर्फ तुम्हें ये काम करने हैं, दो काम करने हैं, ठीक है, क्या चीज, जो इधर मैंने अभी बताया, एक एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, दूसरा एक पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा या कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो जस्ट पैरेलल वाला केस है तो फिर कोई भी पॉइंट नहीं करेगा, अगर एक भी कर गया तो बाकी सारे भी करेंगे, क्लियर हुआ? यस सर, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है, किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ, ओके ओके, चलो अब आगे, नेक्स्ट इज देखो, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स मिलके ये एक प्लेन बनाएंगे, हाँ जी, अरे एक बार बताना, वो आपने आर वेक्टर क्यों लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में? कहाँ सर, ये जो आई कैप माइनस के कैप को आर वेक्टर क्यों लिखा था, इसको आर वेक्टर की जगह पुट किया ना सर, वो क्यों? हाँ वो क्यों किया, अब ध्यान से देख भाई, मेरे को एक चीज बता, 2x + y + z = 1, मेरे को ये चेक करना है कि 1, लेट से 0, 0, 1 पॉइंट इस लाइन इस प्लेन में सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? यस सर, इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है नहीं कर रहा, ये कैसे पुट पता करते हैं सर, कि वैल्यू पुट करेंगे x y z की, राइट, यही करेगा? यस सर, अब मेरे को ये बता, इस इक्वेशन में x y z कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 3i कैप, x y z कहां है भाई, वो तो 3 है, x कहां है सर? नहीं, x y z नहीं है, अरे r वेक्टर होता है भाई, r वेक्टर होता है ना, x i कैप प्लस y j कैप, यस सर, यस, तो x y z कहां है? r वेक्टर, हां, तो अगर मेरे को ये चेक करना है कि कोई पॉइंट इसमें लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं x y z की जगह पुट करूंगा, ओके सर, तो यानी कि r वेक्टर की जगह पुट करेंगे, क्योंकि r वेक्टर इज x y z, यस सर, आप समझा? यस सर, पक्का सोच ले, यस सर, यस, ठीक है। अच्छा अब देखो, नेक्स्ट प्लेन, अच्छा सबसे पहले देखते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइंस एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, क्या मतलब है इस चीज का? तो दो लाइंस जो हैं, देखो इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं, राइट, तो देयर मस्ट बी वन प्लेन जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करेगा, ठीक, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन देयर मस्ट बी अ प्लेन विच कंटेन बोथ द लाइंस, ठीक है, अगर दो प्लेन्स जो दो लाइंस जो हैं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन दैट केस देयर मस्ट बी अ प्लेन
विच विल कंटेन बोथ ऑफ दीज लाइन्स. तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि पहली बात तो कब दो लाइन्स जो है ये कोप्लेनर होंगी, एंड इन दैट केस ये वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, राइट. तो ध्यान से देखो, हमें दो लाइन्स दे रखी हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वन वैक्टर, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस लेमडा बी टू वैक्टर. तो इनके कोप्लेनर होने की हमें कंडीशन निकालनी है. अच्छा, याद है STP, राइट. STP क्या था, a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, राइट. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, राइट. और इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ए वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट, दैट इज ए वन बी वन सॉरी ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है, वेयर ए वेक्टर इज ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप. ज्यादा एसटीपी के साथ लेना देना नहीं है, ठीक है, घबराना मत, ध्यान से सुनना मेरी बात. ए वन ए टू ए थ्री सॉरी ए थ्री के कैप, एंड बी वेक्टर इज बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, एंड सी वेक्टर इज सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप. तो निकालने का तरीका क्या होता है एसटीपी, पहले ए कैप के आई जे के कोएफिशिएंट ए वन ए टू ए थ्री, बी कैप सेकंड वाला वेक्टर जो है बी कैप उसके आई जे के कोएफिशिएंट बी वन बी टू बी थ्री, एंड थर्ड वाला वेक्टर सी वन सी टू सी थ्री, बेसिकली सी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट सी वन सी टू सी थ्री, इनका डिटर्मिनेंट ये देता है मेरे को एसटीपी की वैल्यू, ठीक है. सबसे पहले तो ये चीज आ गई. अब ध्यान से देखो, याद करो एसटीपी ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता था, ये रिप्रेजेंट करता था एक पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम, जो किससे बनता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर से बनता है. पैरेलल पाइप मतलब इस तरीके से एक 3D स्ट्रक्चर, ए एंड बी को बेस मानते हो, या बी एंड सी को, यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एंड ये ए वेक्टर, तो बी एंड सी को बेस मानो, एंड इसको स्लांट हाइट हमने प्रोवाइड की, तो इस तरीके से पैरेलल पाइप्ड बनेगा. इसके सारे फेसेस जो होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एसटीपी का मैग्नीट्यूड, ठीक है. तो एसटीपी का जो मैग्नीट्यूड है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है. ये हमने डिराइव भी किया था प्रॉपर, ठीक है. अच्छा, अब सोचो, हमने तब ये चीज बात की थी कि ये जो ए वेक्टर है अगर ये इसी प्लेन में लाई कर जाए, राइट, तो ये जो हाइट है ये हाइट क्या हो जाएगी, इन दैट केस देखो, अगर ये ए वेक्टर वो हाइट कम हो गई, ये ए वेक्टर वो हाइट कम हो गई, ए वेक्टर या इसी प्लेन में आ गया तो हाइट जीरो हो जाएगी, तो यानी कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. Therefore, if three vectors are coplanar, coplanar मतलब एक ही plane में lie करें, then उनका जो STP है A vector, B vector, C vector, ये होगा zero. In that case, ये होगा zero. ठीक है? अच्छा, अब देखो. तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि अब वापस मैं diagram बना रहा हूँ. अब ये दो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड दिस इज अ प्लेन विच कंटेन्स देम, राइट. अब देखो, इसका मतलब ये है कि इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बी वन वैक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर बी टू वैक्टर, एंड इस लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट ए वन वैक्टर, एंड इस लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट ए टू वैक्टर, इन दोनों को ज्वाइन करके वैक्टर ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर, ये तीनों वैक्टर जो है ये भी इसी प्लेन में लाई करेंगे, राइट. देखो, अगर लाइन प्लेन के अंदर आ रही है तो ऑब्वियसली ये वाला जो वेक्टर है ये प्लेन के अंदर लाई करेगा, ये वाला पैरेलल वेक्टर प्लेन के अंदर लाई करेगा. अब क्योंकि लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट प्लेन के अंदर आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी प्लेन के अंदर आएगा, एंड ये वाला पॉइंट भी प्लेन के अंदर आएगा, तो दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर कंप्लीटली प्लेन के अंदर लाई करेगा. तो मतलब ये तीनों वेक्टर जो है ये प्लेन के अंदर लाई करेंगे. देयरफॉर ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, बी वन वेक्टर, बी टू वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स. Therefore, their STP must be zero. तो अगर ए टू वैक्टर माइनस ए वन वैक्टर बी वन वैक्टर बी टू वैक्टर का STP अगर जीरो हो जाए, then R वैक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लेमडा बी वन वैक्टर फर्स्ट लाइन, एंड R वैक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस लेमडा बी टू वैक्टर सेकेंड लाइन, बोथ मस्ट बी coplanar, ठीक है, both must be coplanar, बात करता हूँ. So this is a condition for two lines to be coplanar. क्या दोनों के fixed point का difference, parallel vectors का parallel vector ले लिए, तो इन तीनों vectors का STP अगर zero हो जाए, तो again ये दोनों lines coplanar हो जाएंगे, ठीक है. तो starting से दोबारा सुनो मेरी बात,
ठीक है, कि दो लाइंस के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है. ठीक है, तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो देर मस्ट बी प्लेन विच बोथ विच कंटेन्स बोथ ऑफ दीज लाइंस. ठीक है, तो अगर ये दोनों लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों को कोप्लेनर होने की कंडीशन ढूंढनी है. ठीक है, अभी प्लेन की इक्वेशन कैसे आएगी वो नहीं मैंने अभी बताया, बट इन दोनों के कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या, अभी हम वो बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि एस टी पी का अगर जीरो हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तीन वैक्टर्स कोप्लेनर हो गए तो उसका एस टी पी जीरो जाएगा. अब यहाँ पे हमने देखा कि पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर, दोनों पॉइंट के दोनों लाइन के ऊपर आने वाले जो दो पॉइंट्स हैं, फिक्स पॉइंट हैं, उनको जॉइन करके एक वेक्टर बनाए, तो तीनों वेक्टर इसी प्लेन में लाई करेंगे, कोप्लेनर होंगे, तो देयरफॉर इन तीनों वेक्टर्स का एसटीपी जीरो होना चाहिए. तो दिस इज अ कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी कोप्लेनर. ठीक है, एक तो ये चीज आ गई. अब आगे देखो, अब हमारा सेकेंड पार्ट आ रहा है कि अगर कोप्लेनर आ गया, गुड, इन दैट केस वो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, अब ध्यान से देखना मेरी बात. अब अगेन ये लाइन पहली, ये लाइन दूसरी, अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो ध्यान से देखो, ये वाला वेक्टर b1 वेक्टर, ये वाला वेक्टर b2 वेक्टर, एंड ये वाला a1 वेक्टर, ये वाला a2 वेक्टर. अब इस प्लेन के ऊपर आने वाला जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को हमने अज्यूम कर दिया कि वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं x, y, z, तो ऑब्वियसली उसको मैंने अज्यूम कर लिया कि दिस इज नथिंग बट r वेक्टर, विच इज नथिंग बट x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. तो इन दैट केस ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर आएगा, दैट इज r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, राइट, ये वाला वेक्टर भी प्लेन में लाई करेगा इसी प्लेन के अंदर जिसके अंदर b1 b2 आ रहा है, तो इन तीनों का एसटीपी भी जीरो होगा. तो देयरफॉर r वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर का stp, राइट, अगर ये जीरो हो जाए, ये चीज जो है ये r वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगी. अब r वेक्टर का मतलब x y z की फॉर्म में आ जाएगी, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कंटेन्स बोथ द लाइंस, दैट्स इट, व्हिच कंटेन बोथ द लाइंस. अब ये चीज है, ये एक्चुअली में सारा का सारा कंसेप्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी आएगी तुम्हें एग्जांपल के थ्रू, इसके अलावा नहीं. ठीक है, अब मैं इस चीज का एग्जांपल दे रहा हूँ. एग्जांपल देखो, पहले पहले प्लीज एग्जांपल देखो सर. हाँ जी सर, यहाँ पे सिर्फ r वेक्टर के तक यू ली लाइन, क्योंकि हमें r वेक्टर, बेसिकली r वेक्टर क्या है तेरा, ये सारे के सारे पॉइंट्स r वेक्टर है ना. यस सर, यस सर. तो रेंडमली किसी भी पॉइंट को ए वेक्टर के ए वन वेक्टर के साथ ज्वाइन करूंगा, तो वो जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करेगा. यस सर. ठीक है ना. अब क्यों आर वेक्टर तक इसलिए ली, क्योंकि आर वेक्टर तो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली ये जो लाइन है ये सिर्फ आर वेक्टर तक नहीं है, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स तक है इन जनरल. ओके सर. ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो. ठीक है, फाइंड वेक्टर, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइंस, पहली लाइन r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. अब उसने खुद बोल दिया, कोप्लेनर पूछा ही नहीं उसने. ठीक है, वो सीधा बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस को कंटेन, मतलब ऑब्वियसली अगर दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी. ठीक है, एक और केस आता है वो बाद में देखते हैं, बट यस. ठीक है ना, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है. अब वो प्लेन निकालना जो इन दोनों लाइंस को यूज करके बनेगा, तो वो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर माइनस दोनों में से किसी भी लाइन का फिक्स पॉइंट. तो दोनों का फिक्स पॉइंट वैसे सेम है, तो हमने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आ गया आर वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर. अब पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये आ गया b1 वेक्टर, एंड दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये आ गया b2 वेक्टर. तो r माइनस a1 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, इन तीनों का stp जो है ये चीज जीरो होगी, तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगी. अब इस चीज को सोल्व कैसे करना है, यहां से देखो, हमने r वेक्टर की जगह लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट. तो ये अब i कैप का क्वेश्चन क्या आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो, ये बन गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप. ठीक है, ये पहला वेक्टर आ गया.
दूसरा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, तीसरा वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप का एसटीपी हमने कर दिया जीरो। ठीक है, अब देखो इधर एक्स वाई जेड सॉरी आई जे के क्वेश्चन ढूंढेंगे, वो क्या आ रहे हैं एक्स माइनस वन जे कैप का, वाई माइनस वन के कैप का जेड, इधर वन टू माइनस वन, इधर माइनस वन वन माइनस टू, इसका एस टी पी जीरो मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो, दैट्स इट। तो यहां से एक्स वाई जेड में इक्वेशन आएगी वो प्लेन की इक्वेशन होगी, क्या आ रही है एक्स माइनस वन इंटू दिस इंटू दिस माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस वन, तो दैट इज प्लस वन, माइनस ऑफ वाई माइनस वन इंटू दिस इंटू दिस माइनस टू प्लस वन, तो माइनस ऑफ प्लस वन यानी कि माइनस वन, एंड प्लस जेड इंटू दिस वन माइनस माइनस टू, तो प्लस टू, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आ रही है देखो माइनस थ्री इंटू दिस माइनस थ्री इंटू माइनस प्लस थ्री, तो प्लस थ्री इंटू वाई माइनस वन, थ्री इंटू दिस, तो दैट इज प्लस थ्री इंटू जेड, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो क्या इक्वेशन आई माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री वाई प्लस थ्री जेड माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो दैट इज प्लस थ्री माइनस थ्री, तो वो गया दैट इज इक्वल टू जीरो। माइनस थ्री कॉमन क्या बना एक्स माइनस वाई माइनस जेड, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज अ प्लेन विच कंटेन्स बोथ ऑफ दीज लाइन्स। हाँ जी ध्यान से चेक करो कैसे किया, कहीं पे डाउट आ रहा है तो पूछो प्लीज, कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो प्लीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन। हाँ जी सर, प्रीवियस क्वेश्चन हम उन दोनों के पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके भी कर सकते हैं कि ऐसे ही करना है? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, देखो ये सबसे सिंपल मेथड है, सबसे छोटा मेथड है, उससे क्या करोगे आप एन वन वेक्टर और सॉरी बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके नॉर्मल वेक्टर निकालोगे, ठीक, फिर एक फिक्स पॉइंट यूज करोगे वो नॉर्मल वेक्टर यूज करोगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जीरो करके फिर इक्वेशन आएगी। इससे क्या हुआ एक ही स्टेप में इक्वेशन आ गई, दैट्स इट। क्या किया हमने आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर का एसटीपी जीरो किया, तो एक ही स्टेप में हो गया ना, दो दो स्टेप नहीं आए। तो ये देखो दोनों वैलिड मेथड है, ठीक है, लेकिन इसके ये कम स्टेप्स में हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है, इसलिए इसको ज्यादा एक्यूरेट मेथड बोला जाता है, बात समझे? आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है। ओके सर, ठीक है, ओके राइट। अब देखो जरा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको प्लीज। इफ लाइन्स x minus 1 by 2 equal to y plus 1 by 3 is equal to z minus 1 by 4 and x minus 3 by 1 is equal to y minus k by 2 is equal to z by 1 intersects, find k and find plane containing both the lines. वो क्या बोल रहा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, ठीक है, लेकिन देखो फर्स्ट वाली लाइन के बारे में सब कुछ पता है, इसके ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर, इसके ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो के टर्म्स में, तो पर्टिकुलरली नहीं पता, पैरेलल वेक्टर पता, राइट, तो के की वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए देखो, अब हमें पता है कि अगर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, राइट, तो पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या जाएगा 2y कैप, ठीक है, ये वाला 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या जाएगा, ये दूसरी वाली लाइन है, ठीक है, दूसरी वाली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या है 3k, ये z माइनस 0 है तो 0, तो 3i कैप प्लस kj कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। अब पहली वाली लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट क्या है 1 माइनस 1 1, तो 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस के कैप, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा दिस माइनस दिस क्या जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 आई कैप, के माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज के प्लस 1 जे कैप एंड 0 के कैप माइनस के कैप, तो बेसिकली आ गया माइनस के कैप। तो अब ध्यान से देखो ये वाला वेक्टर
पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड ए टू माइनस ए वन वेक्टर, ये तीनों का एसटीपी जीरो होना चाहिए क्योंकि तीनों वेक्टर को कोप्लेनर है, राइट। तो क्या चीज हमने यूज की, हमने कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी लगा दिया कि अगर दोनों लाइन कोप्लेनर है तो दोनों लाइन्स का पैरेलल वेक्टर एंड दोनों पॉइंट्स का, दोनों के ऊपर आने वाले फिक्स पॉइंट का डिफरेंस करके जो वेक्टर आएगा, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए, तो इन तीनों का एसटीपी जीरो होना चाहिए। यानी कि टू आई कैप प्लस के प्लस वन जे कैप माइनस के कैप, दूसरा टू आई कैप प्लस जे थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप एंड आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, इन तीनों का एसटीपी जो है ये जीरो होना चाहिए, वहां से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो आई कैप का क्वेश्चन क्या आ रहा है, टू के प्लस वन आई जे के का एंड माइनस वन, इधर टू थ्री फोर, इधर वन टू वन, इसका एस टी पी कर दिया हमने जीरो, दैट्स इट। यहां से डायरेक्टली के की वैल्यू मिलेगी, तो क्या आ रही है, टू इंटू दिस इंटू दिस थ्री माइनस फोर टू द एट माइनस ऑफ के प्लस वन, ठीक है, इंटू टू माइनस फोर माइनस वन इंटू टू टू द फोर माइनस थ्री, दैट इज जीरो। तो क्या बना, माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस प्लस टू, तो प्लस टू इंटू के प्लस वन, तो दैट इज टू के प्लस टू एंड दिस इज वन, वन इंटू माइनस वन दैट इज माइनस वन, दैट इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज टू के, ठीक है, एंड माइनस एट प्लस वन माइनस नाइन, तो दैट इज इक्वल टू नाइन, तो के की वैल्यू आ गई नाइन बाय टू। तो के अगर इस पूरी इक्वेशन के अंदर नाइन बाय टू है, तो यस फॉर दीज टू थिंग्स जो दोनों लाइन तक वो कोप्लेनर हो जाएंगे, तो के की वैल्यू तो मैं निकल आई, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ रही है, नाइन बाय टू। के की वैल्यू निकालने में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पहले बताओ, ठीक, गुड। अब देखो, अब इन दोनों लाइन्स का प्लेन निकालना है, राइट, जो इन दोनों को कंटेन कर रहा है, तो हमने अगेन लाइन्स को पकड़ा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी, पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, दोनों में से एक लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट दैट इज वन माइनस वन वन, वन माइनस वन वन, ठीक है। अब ये प्लेन है तो इसके ऊपर आने वाला इन जनरल आर वेक्टर, तो ये वेक्टर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब ये तीनों वेक्टर जो हैं ये कोप्लेनर हैं, तो इनका एसटीपी जीरो। तो क्या बना, इधर आई कैप का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, दिस इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो आई कैप एक्स आई कैप माइनस आई कैप दैट इज एक्स माइनस वन, वाई कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस तो दैट इज वाई प्लस वन, जेड माइनस वन, ठीक है, पैरेलल वेक्टर का टू थ्री फोर एंड इधर वन टू वन, इसका डिटरमिनेंट कर दो जीरो, ये एसटीपी तीनों का जीरो हो गया, तो ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगेन क्या किया हमने, पहली वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक, एंड आर वेक्टर माइनस दोनों में से एक के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट का वेक्टर, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कहीं के की जरूरत नहीं पड़ी, वो बात अलग है, के हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा क्या बना, ये एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस फोर टू द एट माइनस ऑफ वाई प्लस वन इंटू टू माइनस फोर प्लस जेड माइनस वन इंटू फोर माइनस थ्री दैट इज जीरो। तो दिस इज माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, माइनस टू इंटू माइनस दैट इज प्लस टू इंटू वाई प्लस वन एंड दिस इज वन इंटू जेड माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ गया माइनस फाइव एक्स प्लस टू जेड प्लस जेड सॉरी ये वाई टू वाई एंड माइनस ऑफ माइनस वन माइनस फाइव इंटू माइनस वन दैट इज प्लस फाइव प्लस टू माइनस वन दैट इज जीरो। सो माइनस फाइव एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड सेवन माइनस वन सिक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज आवर प्लेन, ठीक है। ध्यान से देखो, अगेन मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ क्वेश्चन का, वो बोल रहा है कि ये दोनों लाइंस जो है ये कोप्लेनर है, तो के की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर दोनों लाइंस कोप्लेनर है, तो पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड दोनों के ऊपर आने वाले फिक्स पॉइंट का दोनों का डिफरेंस जो कि के की टर्म्स में आ रहा है, तीनों का एसटीपी जीरो। तीनों के पहले का आई कैप का कोएफिशिएंट, आई जे के का कोएफिशिएंट, दूसरे का आई जे के का कोएफिशिएंट, तीसरे का आई जे के का कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट जीरो कर दिया, दैट इज एसटीपी को जीरो कर दिया क्योंकि कोप्लेनर है।
राइट, वहां से के की वैल्यू आ गई 9/2, दैट इज डिफरेंट केस। अब इन दोनों वो प्लेन निकालना जो इन दोनों लाइन को कंटेन करे, तो पहली लाइन का पैरेलल वेक्टर, दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक, एंड एक लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट, वो कि हमें पहली वाली लाइन जिसके अंदर के नहीं आ रहा वो दे रखा है, दैट इज 1 -1 1, एंड इन जनरल आर वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ये फिक्स पॉइंट का वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, इन दोनों का एसटीपी क्या होगा, तीनों का एसटीपी होगा 0, तो एसटीपी 0 करके एक्स वाई जेड में डायरेक्ट इक्वेशन आ गई, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, दैट्स इट एंड वी आर डन। ठीक है, तो कहीं पे कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं, बट ध्यान से क्वेश्चन को समझो क्या चीज कर रहे हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, वी आर डन विद द प्लेन्स, थैंक यू।